अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहिद है और आप सबको वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटॉनिक्स में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स के बारे में। बहुत से लोग अक्सर देखते हैं सर्किट्स में, पीसीबीज वगैरह में कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं जिनके ऊपर कंपोनेंट लगाए जाते हैं। लोगों को इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा सिंबल किस कंपोनेंट का है, और वो गलत कंपोनेंट लगा देते हैं। जैसे कि बैटरी की जगह पे कैपेसिटर लगा देते हैं, रजिस्टर की जगह पे कोई डायोड वगैरह लगा देते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को क्लियर करेंगे। स्टडी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, जो मेरे पास सबसे पहला सिंबल है जो कि मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, वो है रजिस्टर का। और रजिस्टर के सिंबल को यूँ ड्रॉ किया जाता है और इसको डिनोट किया जाता है R से। और जो मेरे पास नेक्स्ट सिंबल है वो है डायोड का। डायोड को ड्रॉ इस तरह से किया जाता है, इसका ये जो जिस तरफ लाइन होती है इसको कैथोड, यानी कि डायोड का जो नेगेटिव पार्ट है जो कि सिल्वर वाला पार्ट है, वो सिल्वर लाइन जहाँ पे लगी हुई होती है रियल डायोड में, उसके ये वाला पार्ट है जहाँ पे लाइन लगी हुई होती है। और ये जो दूसरा वाला दूसरी तरफ है वो है पॉजिटिव वाला पार्ट, ब्लैक वाला, उसको एनोड कहते हैं। नेगेटिव को कैथोड और दूसरे वाले पार्ट को पॉजिटिव को एनोड कहते हैं। अगला सिंबल जो मेरे पास है वो है कैपेसिटर का। कैपेसिटर को यूँ ड्रॉ किया जाता है कि दो प्लेट्स लगी हुई होती है और उसके साथ बस दो ये टांगे लगा देते हैं, उसको एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, और इसको नॉर्मली सी से डिनोट करते हैं। तो गाइस, जो नेक्स्ट मेरे पास सिंबल है वो है एक वेरिएबल रजिस्टर का। इसका सिंबल बिल्कुल सेम रजिस्टर की तरह होता है, बस इसके दरमियान में एक एरो लगा देते हैं कि जिससे पता चलता है कि ये वेरिएबल रजिस्टर है, और इसी को हम पोटेंशियो भी कहते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरे पास अगला सिंबल मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो है बैटरी का। बैटरी को इस तरह से सेम कैपेसिटर की तरह होता है, लेकिन बस बैटरी में ये होता है कि एक टर्मिनल बड़ा और दूसरा टर्मिनल छोटा शो किया जाता है। जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। तो गाइस, अगला सिंबल जो है मेरे पास वो भी कैपेसिटर का है, लेकिन उसमें वो बिल्कुल सेम कैपेसिटर ही है, कैपेसिटर की एक टाइप है, यानी कि कैपेसिटर ड्रॉ करें और उसके दरमियान में एक एरो लगा दें तो वो सिंपल एक वेरिएबल कैपेसिटर बन जाता है। जो मेरे पास अगला सिंबल है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इंडक्टर का। इंडक्टर जो के कॉइल भी जिसको कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो शो कर रहा होता है, जिसका यूनिट हेनरी होता है, इसको ज़्यादा एल से डोनेट किया जाता है। और ये दूसरा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है वेरिएबल इंडक्टर, सिंपल सेम इंडक्टर की तरह है, बस इसके एक एरो लगाया जाता है जिससे कि ज़ाहिर होता है ये वेरिएबल इंडक्टर है। अब ये सिंबल जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये डायोड की एक टाइप है, जेनर डायोड की। तो जेनर डायोड की ये सिंबल है। तो इस सिंबल में ये होता है कि एक तरफ जो जहाँ पर सिल्वर लाइन लगाते हैं हम, सिल्वर वाली लाइन नॉर्मल डायोड के सिंबल में जो लाइन लगाते हैं, उसी लाइन को बस सिर्फ वेव फॉर्म की शक्ल में चेंज कर देते हैं। बाकी ये रिवर्स बायस में काम करता है, नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, ये रिवर्स बायस में काम करता है। जो अगला सिंबल है मेरे पास वो है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का। इसमें पूरा शो हुआ हुआ है कि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनाते किस तरह से हैं, और उसी का ये सिंबल भी है। और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट चार डायोड को मिला के उसके जो नेगेटिव वाले टर्मिनल है पहले उनको कनेक्ट करे एक तरफ, और जो पॉजिटिव वाले टर्मिनल दोनों को एक तरफ कनेक्ट करें, दो दो डायोड के, और फिर जो बच जाएंगे उनको आपस में कनेक्ट करेंगे।
तो जो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर नेगेटिव वाले दो टर्मिनल कनेक्ट हुए होते हैं वो वाले इसमें पॉजिटिव निकालते हैं हम, और जहाँ पर दो पॉजिटिव वाले टर्मिनल कनेक्ट हुए होते हैं उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं डीसी साइड पे। ठीक है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो ये इसका डीसी पॉइंट बन जाएंगे दोनों, और जो बचे हुए दो हैं वो एसी पॉइंट बन जाएंगे। जो अगला मेरे पास सिंबल है वो है स्पीकर का। स्पीकर बिल्कुल कीफ की तरह बनाया जाता है, सिंपल सा है, सिलेंडर का टाइप का। इसके ऊपर लिख लेते हैं कि ये ब्रिज है, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। नेक्स्ट कंपोनेंट का जो सिंबल है मेरे पास वो है हॉर्न का। हॉर्न भी सेम स्पीकर की तरह होता है, लेकिन इसकी एक साइड बिल्कुल थोड़ी सी रेक्टेंगल टाइप की होती है और दूसरे बिल्कुल स्पीकर की तरह। नेक्स्ट है मेरे पास, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वोल्ट मीटर। इस वोल्ट को मीटर को नॉर्मली वी अंदर लिखा जाता है, गोल सर्कल बना के अंदर वी लिखा जाता है, और एक साइड पर पॉजिटिव दूसरी साइड पर नेगेटिव। इस तरह नेक्स्ट है मेरे पास एम मीटर। एम मीटर या एम्पियर मीटर, इसको शो करने का यही तरीका होता है कि बिल्कुल वोल्ट मीटर की तरह सिंबल बनाया जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर के अंदर वी लिखा जाता है और एम्पियर मीटर के अंदर ए लिखा जाता है, यानी कि सर्कल बना के उसके अंदर ए लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।